तो दोस्तों अगर आप एलईडी खरीदते वक्त उसकी प्राइस और वो कितने इंच की है इन दोनों के ऊपर ध्यान देते हो ना तो आप बहुत बड़ी यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जल्दबाजी में ली गई एलईडी की पिक्चर क्वालिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कई बार वो लेग भी करती है। और इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एलईडी थोड़े दिन बाद चलने के बाद यहाँ पे फ्लिकरिंग करना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जल्दबाजी में ली गई एलईडी का ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बेकार होता है कि इन एलईडी के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करती है। इसका मतलब साफ साफ है कि इन एलईडी के अंदर आप लाइव टीवी चैनल और लेटेस्ट मूवी को फ्री में नहीं देख सकते, क्योंकि एप्लीकेशन ही सपोर्ट नहीं करेगी ना इस वजह से। तो मेरा भाई इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एलईडी टीवी बताने वाला हूं ना वो इतनी कमाल की है कि आपकी सारी जरूरत यहां पे पूरी हो जाएगी और आपको कोई भी कमी इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो ये पूरी बात ना मैं आपको वीडियो में आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये बात आज से पहले किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं करी मेरे अलावा। तो मेरे भाई अपनी लिस्ट में जो पहले नंबर की एलईडी है वो है सोनी की, ये 32 इंच की एलईडी है। उसके जो मेन फीचर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। अब इस एलईडी को सेलेक्ट करने का सबसे मेन रीजन ये है कि एक सोनी जैसा प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड के अंदर अपने को गूगल टीवी का इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये एलईडी गूगल टीवी के साथ आती है जो कि एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बहुत ही कम लैग होती है। और सबसे तगड़ी बात कि इस एलईडी के अंदर अपने को सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है एक्स रियलिटी। और ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है वो भी समझ ही लो, ये किसी भी मूवी और पिक्चर के पिक्सल को यहाँ पे एक्चुअल में अपस्केल करती है। इसका मतलब अगर आप कोई भी टीवी चैनल देखते हो या मूवी या शो देखते हो और वो अगर बेकार रेजोल्यूशन में भी हुआ ना तो भी इसकी क्वालिटी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी एक्स रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके अलावा अपने को मोशन फ्लो जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी तो इसके अंदर मिलती है, लाइव कलर इसके अंदर मिलते हैं जिसके अंदर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो कलर के मामले में भी ये एलईडी आपको निराश नहीं करेगी। और ऑब्वियसली यार सोनी का नाम जुड़ा हुआ है और सोनी कोई राज चलता ब्रांड तो है नहीं, ये लीडिंग ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। तो इस एलईडी को आप बाय कर सकते हो 32 इंच का वेरिएंट। ये अपने एलईडी 32 इंच की है तब भी इसकी प्राइस यहाँ पे 24,990 रुपए चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 25,000 रुपए में तो 4K एलईडी मिल जाएगी, हम इस एलईडी को क्यों लेंगे। तो एक बात ध्यान रखो, प्राइस जरूर ज्यादा है लेकिन फीचर भी इसके बहुत ज्यादा एडवांस है। और हाँ, इस एलईडी के अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं जितनी भी एलईडी आपको बता रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वाला जो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसके अंदर यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि कितने रूम साइज के अकॉर्डिंग कौन सी एलईडी यहाँ पे बाय करनी चाहिए। तो इस चार्ट को एक बार समझ लो, उसके बाद ही आप अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलईडी टीवी को बाय करना। अब ऑब्वियसली यार सबका बजट कोई 25,000 रुपए तो होता नहीं है, वो भी सिर्फ 32 इंच की एलईडी के लिए। तो अगर आप सस्ते में एक एलईडी खरीदना चाहते हो ना तो वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहला मेरा फेवरेट ब्रांड एमआई। भाई एमआई ब्रांड यहाँ पे बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है इंडिया के अंदर और ये इंडिया का लीडिंग ब्रांड पहले से ही बन चुका है। और एक बात भाई मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि एमआई की जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो अब तक की सबसे कमाल की है। मतलब सैमसंग, सोनी, एलजी, तोशिबा, पैनासोनिक ये सारी कंपनी की सर्विस अड़के भी नहीं निकलती है जितनी कमाल की सर्विस अपने को एमआई के अंदर मिलती है। इनके सर्विस सेंटर की रीच बहुत ज़्यादा तगड़ी है, रिस्पॉन्स अपने को बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आपकी एलईडी में बाय चांस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सर्विस यहाँ पे बहुत अच्छी और जल्दी मिलेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एमआई के साथ। और इस एलईडी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो हो रही होगी। अब तुम्हें पता है कि इस एलईडी को मैंने अपनी लिस्ट में क्यों ऐड करा, क्योंकि जिस रेट के अंदर ये आती है ना इसके अंदर अपने को गूगल टीवी का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और ये बहुत कमाल की बात है। विविड पिक्चर इंजन इसके अंदर दे रखा है, डीटीएस एक्स साउंड की टेक्नोलॉजी इसके अंदर दे रखी है। अब इस एलईडी की प्राइस यहाँ पे सिर्फ 12,000 रुपए है जिस टाइप की स्पेसिफिकेशन और पिक्चर क्वालिटी के साथ ये आती है। एंड या इस एलईडी के अंदर अपने को फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस भी मिलती है। अब अपनी लिस्ट में जो अगली एलईडी है वो 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी, तो आपको क्वालिटी थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलेगी लेकिन इंच साइज भी इनकी थोड़ी बड़ी रहेगी। तो अपनी लिस्ट में जो थर्ड नंबर की एलईडी ना उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसका नाम है सैमसंग। और सैमसंग अपने आप में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ये टॉप नॉच क्वालिटी अपने को देता है, प्रीमियम क्वालिटी का पैनल इसके अंदर अपने को दिया जाता है। और सीधी सी बात है सैमसंग खुद ही अपने पैनल को बनाता है तो क्वालिटी तो अपने को अच्छी मिलेगी सही। मतलब ये एमआई, टीसीएल और सोनी की जो कंपनी है ना ये पैनल नहीं बनाती है, पैनल सिर्फ यहाँ पे सैमसंग बनाता है, ये दूसरी कंपनी सैमसंग से इंपोर्ट करती है। और जब सैमसंग खुद का पैनल खुद की एलईडी में यूज करेगा तो क्वालिटी भी अपने को अच्छी मिलेगी ना। तो इस एलईडी का जो पैनल है उसकी क्वालिटी भाई एक नंबर है, एक तरफा क्वालिटी अपने को मिलेगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। और ये अपनी लिस्ट में पहली एलईडी है जिसका मदरबोर्ड की क्वालिटी यहाँ पे इतनी तगड़ी इन्होंने दे रखी है। मतलब तुम खुद देखो ये जो मेरे हाथ में मदरबोर्ड है ये सैमसंग एलईडी का है
और इसके मदरबोर्ड के अंदर ये जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, इन सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी दे रखी है और इसी वजह से ये एलईडी लंबे टाइम तक चल सकती है, ये खराब इतनी जल्दी होती नहीं है और इसी वजह से इस एलईडी की सर्विस आपको बहुत लंबी मिलती है। क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो ना, एलईडी को यार हर बंदा 2 साल में तो बदलता नहीं है, मतलब कम से कम 8 से 10 साल तो चलाता ही है। तो सैमसंग की एलईडी को आप उस मामले में खरीद सकते हो क्योंकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी अपने को मिलेगी और ये लंबे टाइम तक आपकी चलेगी। और इस एलईडी की जो टेक बातचीत है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो रही होगी, मतलब इसकी टेक स्पेसिफिकेशन। अब ये एलईडी इतनी खास क्यों है और इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है वो भी आप समझ लो। इस एलईडी के अंदर अपने को सबसे एडवांस डेडिकेटेड 4K प्रोसेसर मिलता है, एक्चुअल 4K क्वालिटी को ये प्रोड्यूस यहाँ पे करता है। और आपको जान के यहाँ पे हैरानी होगी कि अपने लिस्ट में ये एक मात्र एलईडी है जिसके अंदर अपने को PUR कलर टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि एक्यूरेट नेचुरल और डीप कलर अपने को यहाँ पे प्रोड्यूस करके देती है। और अगर आपके पास PS5 या Xbox है तो ये एलईडी भाई आपके लिए तोहफा है, जो कि फ्रेम ट्रांजिशन को बहुत ही कम लेटेंसी के साथ यहाँ पे चलाता है। तो इस एलईडी के अंदर तुम गेम खेलोगे ना तो ज्यादा स्मूथ गेम प्ले अपने को लगेगा और 4K रेजोल्यूशन में आपका आउटपुट देगा। अब देखो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस एलईडी के ना सबसे बड़ा डाउन पॉइंट ये है, इनफैक्ट सारी सैमसंग एलईडी का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट ये है कि इसके अंदर अपने को टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसके अंदर अपन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते। यार मतलब इस एलईडी के अंदर सारी बात अच्छी है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के। भाई इस एलईडी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसके अंदर अपने को लो परफॉर्मेंस मिलती है और कभी कभार तो इसका वॉइस असिस्टेंट भी काम नहीं करता। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको फीडबैक बताएंगे, अगर आप अमेजोन पे जाके चेकआउट करोगे तो फीडबैक के अंदर साफ साफ बता रखा है कि परफॉर्मेंस और वॉइस असिस्टेंट में ये एलईडी इतनी अच्छी नहीं है। इस एलईडी की प्राइस अपने को 31,990 रुपये मिल रही है और जिस रेट में ये एलईडी आ रही है ना, ये आपको उस लेवल के फीचर दे भी रही है भाई क्वालिटी के साथ। अब अपने लिस्ट में जो यहाँ पे फोर्थ नंबर की एलईडी ना, वो तो भाई खतरनाक एलईडी, सच में बता रहा हूँ। ये अगेंस्ट अपनी MI ब्रांड की 55 इंच की एलईडी है और ये एलईडी अपने को एक तरफा प्राइस में मिलेगी, मतलब हद के डिस्काउंट इसके अंदर अपने को मिल रहा है। इस एलईडी की स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन के अंदर शो हो रही होगी और ये एलईडी इसलिए खास है क्योंकि इसके अंदर अपने को 2GB की रैम मिल रही है और उसके साथ अब तक का सबसे पावरफुल A55 प्रोसेसर अपने को मिल रहा है। और जितने भी मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड बॉक्स की वीडियो बना रखी है ना, मैं उनके अंदर हमेशा बताता हूँ चिल्ला चिल्ला के कि A55 बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है भाई LED TV और एंड्रॉइड बॉक्स में। मतलब ये MI की LED इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपको कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये LED एक तरीके से लेग तो होने ही नहीं वाली। लेट्स टॉक अबाउट स्पीकर, तो इसके अंदर अपने को 30W के स्पीकर मिलते हैं जो कि एक अच्छी क्वालिटी के स्पीकर अपने को दे रखे हैं। अब देखो इस LED के अंदर ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो अपने को मिल नहीं रहे क्योंकि इनका पूरा फोकस यहाँ पे परफॉर्मेंस और क्वालिटी और प्राइस के अंदर है। ये LED आपको 37,999 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट डील है। आप आग बंद करके इस LED को खरीद सकते हो अगर आपको 55 इंच की LED यहाँ पे खरीदनी है। भाई 55 इंच की LED बहुत बड़ी होती है और इस प्राइस में आपको दूसरी LED मिल ही नहीं सकती जो इस टाइप का प्रोसेसर के साथ ये हार्डवेयर आपको दे रही हो। अब गाइस अपने लिस्ट में जो आखिरी नंबर की LED है ना, ये सस्ती LED है और जिनका बजट कम है उनको ये LED बहुत अच्छी लगेगी। इस LED का नाम है iFalcon by TCL। ये TCL का सब ब्रांड है और TCL कितना पॉपुलर ब्रांड है वो तो तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं। भाई LED 7,990 रुपये में आ रही है और इसके अंदर अपने को Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और इस LED के अंदर अपने को हाई टेक माइक्रो डिमिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है और ये बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करती है। माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली जो ब्राइटनेस होती है या फिर डार्कनेस होती है ना पिक्सल के अंदर, उनको एनहांस करके उनकी एक्यूरेट पोजीशन अपने को देती है। तो पिक्चर की जो एक्चुअल क्वालिटी है या फिर पिक्चर में जो वो ब्लर वाले पार्ट होते हैं ना, जो पिक्सेलेटेड होती है, उसको ये एनहांस करके और ओवरऑल जो पैनल की पिक्चर क्वालिटी होती है ना, वो उसको क्लियर और शार्प कर देती है। मतलब शार्प और एक्यूरेट आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी इस LED के अंदर। तो ये LED जिस प्राइस के अंदर आ रही है ना, ये भी बेस्ट LED है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।